आई लव यू। कैसा लगा आपको ये? बढ़िया लग रहा भाई साहब, मजा आ गया बाहर से आने में। कोई भी भीतर भी ना एक देख के बैठा लग रहा, खा जाओ खा जाओ खा जाओ, खाया तो खाया भाई बिल्कुल। इसी का नहीं होना भी पता ना लग जाए ये नकली कुत्ता असली कुत्ता है भाई। बिल्कुल असली लगता है, देखो आँख कितनी डिटेल लगा रखी है इसकी, पूंछ पूंछ। और ये देखो भाई सामान हमारा उतार गए हमारे यार दोस्त और मामा के। बहुत बढ़िया भाई, धोखेबाज मित्र, इनसे बाद में मिलेंगे भाई। एक कुत्ता मस्त है, इसकी ये सीट मैंने फिक्स कर दी है। तो आते ही इसकी सर्विस ले रहे हैं यार, आते बाहर खड़े रहे, यू भी ना हो यार। सही में मैंने किया यार, या तो फोन करो, मैं दो तीन मिनट लो करो, जाके देख ले भीतर, जाके देख ले भीतर भैया, आधा घंटा वहां काट रहे, कभी याद ना करना को मजा। मैंने कि ओ भाई वो रहते हो ना, तो बात रहा मोटे मोटे तो बंदो ना दिख रहा हूं, कहीं बढ़िया खजा हो रहता है, तो तमन्नियों ना दिख रही कुत्ता कभी बैठ सके ऐसे एक जगह। चलो भाई घर चलते हैं, सामान वामान को खिलाते हैं, रात को वो यहीं से खिला के चलते हैं। और क्या करें, उठाओ पैकने और कुत्ता तो यही रहेगा, ले चलना करके डराना एक बार। नहीं नहीं यार यही रहें तो क्या करेंगे, चलो ले चलते हैं, क्या हो गया। सुन सुन एक कोई कुत्ता भी बैठो ना, बिल्कुल बिल्कुल भाई। अब यार शेरा के आगे रिएक्शन देखता हूँ, शेरा के आगे बता रहे हैं। ओए शेरा ओ यू तो चुप है, यू तो कभी शांत सो है, ये क्या चल रहा है, अभी नीचे बैठ गो। भाई मतलब वो देख लो, जैसे दूसरे गाड़ी में जाते हैं तो ऐसे पैदल पैदल जाना पड़ता है। रोको यार, हम रह गए यार, कहाँ पहुँचना हमको, एक कुत्ता भी परेशान कर दिया हमारे भैया। वो हमने कल वो नौ मतलब सुबह सुबह ही 9 बजे निकल गए भाटी भाई, मैं आपको फाइनल भी नहीं दिखा पाया। चलो कोई नहीं, उनको जल्दी मछली थी, दीपक भाटी भाई के पापा को कॉल आ रहा था, गाड़ी उनको चाहिए थी, कोई बात नहीं। इसका स्टाइल देखो, ये भाई बिल्कुल असली लगा है, 3,000 रुपया बिल्कुल वर्थ है, बिल्कुल वर्थ 3,000। हाँ इतने में तो असली आ जाता है मामा के। वो शेर ला तो झूठे, वो शेर भी है खजा को, शेर तो बेकार लगता है, फेक लगा है वो शेर तो, ये जब भी ठीक है डंगदा पकड़ जुगते भैया सब रहा भाद रोज में सामान लिया है, कुत्ता भी लाए नहीं हो। मैं कह रहा हूँ कुत्ता कहाँ है, कुत्ता कहाँ है, अरे मैं भूखे ही ना यार, यू तो असली नकली असली नो है, भूख तो ना यू उतर के नहाया तो वहीं था, और फिर तो पता के चली नकली, फोन करा मैंने जग चेक कर ले, एक मिनट मजाक मत कर, सही बता का भाई नकली भाई। अब लुक लुक देखो आप मेरी लुक, हेयर सैलून पे लुक देखो, क्या बना डोल रहा था खामा खा, और कितना स्मार्ट लग रहा हूँ ना, शेर ही कह दे मुमक भाई। मम्मी ने तो सुबह सुबह शेराग ने 3-4 रोटी जमा, 6-7 रोटी धरी और वो दही छाछ डिब्बा भर के, कि अब दो कुत्ता है के धोन के नहीं यहाँ। सही में देख तेरे को एक सरप्राइज देता हूँ भाई, यू तो देख लिया मैंने, देख लिया लेंस भी तोड़ दियो और आईने टूटो, घंटे घंटे से कैसे हो गए भाई, ये ऐसे बुरी तरह चटक गो बहुत, कैसे गिर गए, कहा गिर गिरो और कहा आपने देखो मतलब कैसे गिरा, गाड़ी में से गिर, हाथ छूट गो, मुंह पे वीडियो है ना, जब गिरो है मैं वीडियो तो बना रहा हूं।
हजार नकली रहे तेरे में कोई दिक्कत ना आ रही? कुछ ना दिक्कत आ रही, बढ़िया चल रहा हूँ। यू 3000 को? अच्छा कैमरा भी फूट गया। 3000 को? हाँ। तो लेने में शर्म ना आई फिर यार? शर्म क्यों आती भाई, मम्मी अभी कह रही थी कि पैसा तो दोबारा पैदा हो जाएंगे, दोबारा आ जाएंगे, चीज थोड़ी आवे दोबारा। पहुंच तो कदी साकी, अरे गाड़ी में यूं बैठो हैं और कहते असली लगा ओली भाई। अरे ये मेरी मिल गई, ओए ये पकड़, ओ जैसे दे दिखा, ये पकड़ियो कैमरा आएगा। ओ जैसे डेमी आ जा, डेमी आ जा, ओ डेमी डेमी आ, तो मोटर मत दीजो। और भाई एक भाई से मिलो शेरा के बाद, भाई नासिक से आए हैं मिलने। नासिक से आए भाई साहब, कुछ मराठी में दो शब्द हो जाएं। कैसे आ तुम ही? मैं तो अच्छा हूँ, तुम कैसे हो? समझ गया। अरे भैया क्या पूछोगे, तो नॉर्मल सी बात है भाई। सही बात है। और भाई सुनाओ ठीक ठाक है सब, घर परिवार? सब बढ़िया, सब बढ़िया। नासिक से कितने घंटे की ट्रेन थी भाई? 30 घंटे सर। भाई 30 घंटे जनरल डब्बे में? भाई यार क्या जरूरत है यार आने की भाई, इतनी दूर से। हम कभी नासिक आते यार तभी मिल लेते भाई, अब हम आएंगे उधर साइड न्यू ईयर पे 1st-2nd तारीख में ना। हम बहुत लंबा ट्रिप भाई, बहुत लंबा ट्रिप जा रहे हैं। एक इतनी प्यारी इतनी मस्त तगड़ी गाड़ी, तो भाई इतनी दूर से मत आया करो इतने स्ट्रगल करके। अभी तो भाई यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं आराम से, कोई बात नहीं ये पहुँच भाई। और एक चीज़ और क्लियर करते हैं आज इसी वीडियो में भाई, जिससे आपकी तरह कोई और ना भटके। भाई आप कौन से एंट्री पहुँच गए थे? मैं करनाल के आगे वाला एंट्री। भाई इस दुनिया में कितनी एंट्री हैं तो मामा के पता हो? कच दो एंट्री हैं, एक तो ये अपना मेवात में, एक करनाल के पास कोई। तो आप पहले नासिक पुणे से दिल्ली आए? दिल्ली पुणे से सीधा करनाल, करनाल के आगे एंट्री। पुणे से करनाल की ट्रेन है डायरेक्ट? हाँ है ना। झेलम? झेलम। अच्छा वहाँ पर अगले दिन एंट्री गए? एंट्री गए। एंट्री में क्या पता चला वहाँ जाके? वो अलग एंट्री है। वो कैसे पता चला? वो सिटी दिख गया ना, बड़ा एंट्री है वो। ये गांव है, आपके वीडियोस में देख रखा था, गांव टाइप है थोड़ा। पर यार दिल पे तो ऐसे धक्का सा लगा होगा कि बहुत लग गया कि भाई ये क्या हो गया। वहां से फिर सर्च किया तो 230 किलोमीटर दिखाया। 230 किलोमीटर ये वाला अपना अरुण पवार फार्म हाउस। उसके बाद फिर ट्रेन पकड़ी करनाल से दिल्ली, दिल्ली की हां, दिल्ली से पलवल, हां पलवल से सोना, सोना से आटा, आटा से इंद्री। भाई मामा के तो पे हम कह रहे हैं कि मामा के आजा होटल ते, यहां कभी मिलने भैया ते आजा। भैया क्या करूं, बाइक नहीं है, ये नहीं है, पीपल चलने हैं, वो चलने हैं। और भाई देख पुणे नासिक, और भाई पुणे से भी कितनी दूर है आपका गांव? 6 घंटे। 6 घंटे? ए तू तेरी थूत है नाप दूंगा, थूत थूत। कोई बात है ठीक है, फिर कैमरा से चल को क्या कैमरा से चल को काई के और जाकि स्टोरी बाद में, जाकि वीडियो डिटेल में बाद में आएगी। ओके चलो भाई फिर आपने रेस्ट करो, ठीक है सर? थक गए होगे भाई, कोई बात नहीं आराम करो। चल मामा के चल। तो भैया मेरा न्यू पपी तो रेस्ट कर रहा है भाई, डॉग मेरा असली अच्छा लग रहा है अंदर बैठा हुआ, वो मस्त लग रहा है, अच्छा लग रहा है। चलो ठीक है भाई, मामा के चलिए कल अगर तो। चलो भाई अब मैंने दोबारा अपना डॉगी यहीं पे फार्म पे लाकर रख दिया है। एक्चुअली घर पे तो मैं खुद भी डर जाता हूँ उससे कई बार, तो यार हाँ सच में। अरे मैं भी तो हाँ ही कह रहा हूँ यार। ये बहुत नोटी है भाई मामा का। चल ये मामा का हमारा बहुत ज्यादा नोटी है बहुत। अरे ये तो देख लिया आपने, ये क्या चीज है, ये न्यू शेर ही कह देते हैं, शेर अपने फ्रेंड के साथ चिल कर। चलो भाई हम वीडियो देखने लगे, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।